शर्मिंदा है, तेरी कातिल जिंदा है। हैदराबाद की बहन डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की गैंगरेप कर चढ़ाकर हत्या करने की दर्दनाक घटना के विरोध में हिंदू जागरण मंच हरिगढ़ के कार्यकर्ताओं ने तस्वीर महल चौराहा से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च कर नारेबाजी करते हुए आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया एवं बहनों की सुरक्षा को लेकर कठोर कानून बनाने की मांग की गई। मौके पर संजीव बजाज कार्यकारिणी सदस्य, मनोज जिलाध्यक्ष, मधु राजपूत प्रदेश, लतेश राजपूत जिला महामंत्री आदि उपस्थित रहे। की जो हत्या हुई है गैंगरेप करके, उसको लेकर आज हिंदू जागरण मंच हरिगढ़ के कार्यकर्ताओं ने भी आज एक ज्ञापन राष्ट्रपति को संबोधित जिलाधिकारी महोदय को दिया है। हमने अभी तस्वीर महल से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया है। ज्ञापन में हमने मांग की है कि जिस तरह से काफ़ी लंबे समय से निरंतर जो घटनाएं हमारी बहन बेटियों के साथ में हो रही हैं, जो दरिंदे इस तरह की मानसिकता रखने वाले हैं उनके अंदर बिल्कुल भी कानून नाम का है नहीं है, तो इसलिए कड़े कानून बनने चाहिए हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, और जो आरोपी हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। इस मांग को लेकर आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया। ये किस तरह की घटना हुई है? ये घटना डॉक्टर की प्रियंका रेड्डी जी, ये मतलब कहीं जा रही थी तो उनकी स्कूटी में मतलब पंचर हो गया, तो थे उनकी मदद करने के माध्यम से उनकी मदद करेंगे, लेकिन मदद करने की बजाय उनका उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उनको प्राण से मार दिया। ये घटना इतनी दर्द भरी है कि सुनते ही अपने अंदर तो है ना, लड़कियों के अंदर की क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम लतेश राजपूत जिला